नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पर। आज हम देखने वाले हैं नागराज के बॉबल हेड की अनबॉक्सिंग। ये एक एक्शन फिगर है जिसे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के प्रकाशन द्वारा लाया गया है। ये एक नॉवेल्टी आइटम है और बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, जब से मैंने इसे कॉमिक कॉन में उनके स्टॉल पर देखा था तब से मुझे ये लेना था, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। अभी हाल ही में मैंने इसे ऑर्डर किया और ये आज ही डिलीवर हुआ है। चलिए ओपन करते हैं बॉक्स को और देखते हैं इस एक्शन फिगर को कि ये कैसा है। लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अनबॉक्सिंग हो चुकी है और काफ़ी अच्छी पैकिंग थी। तो बबल रैप के कुछ काफ़ी मोटे लेयर्स थे एंड देन उसके ऊपर भी एक कुशन दिया गया था। बॉबल हेड है तो गर्दन जो क्योंकि हिलती है इनकी, आप देख सकते हैं, तो गर्दन में भी एक रैप दिया गया था स्पेशली। जैसे नागराज नॉर्मली अपराधियों को जकड़ लेता है जैसे अपनी सर्प रस्सी से, कुछ कुछ वैसा ही उसके गले में भी एक फंदा जकड़ा हुआ था। जैसे कि आप नागराज का अंत नामक कॉमिक्स में जब नागदंत उसे एक फांसी का फंदा लगा देता है, कुछ कुछ वैसा ही फंदा था जो मैंने खोला है अभी। और अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है नागराज। बाल पूरे काले नहीं हैं, हल्का इसमें नीला शेड भी है। हाथ में नागराज ने एक सांप पकड़ा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये हैंड पेंटेड है और देख के लग भी रहा है। काफ़ी बारीक काम नागराज के कुंडल में नज़र आ रहे हैं और एक चट्टान से किसी चीज़ पर खड़ा हुआ है, तो देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत बढ़िया काम किया। चलिए, बहुत डेलिकेट है ये, देखिए आप। ओहो, अरे भाई साहब, ये देखिए, बिल्कुल उसकी बेल्ट भी है, सांप भी बना हुआ है और गर्दन हिला रहा है भाई, गुस्से में है। आज तो किसी की शामत आई है ना, क्यों? और ये देखिए, ये इसका नीचे का सेक्शन है जो लग रहा है कुछ पत्थर टाइप का बनाया हुआ है और गुस्से में है, हाथ ऐसे करके। तो नागराज के एक्शन फिगर की बहुत सालों से तमन्ना थी, एक बचपन से, कि कब आएगा। और थैंक्स टू राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की वो इसे लेके आए। मेरे पास ऑलरेडी चाचा चौधरी और डोगा के हैं बॉबल हेड, तो ये नागराज का है। सो इसे कलेक्ट करने की बहुत इच्छा थी और जब ये आ गया है तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसे सजाया जाएगा अपने डेस्क पर और बाकायदा नागराज से गुस्से में बात भी की जाएगी। क्या लगता है आप लोगों को, और आप लोग क्या ऐसे मंगाना चाहेंगे? अपने टिप्पणी में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन दिस प्रोडक्ट लुक्स एस्टॉनिशिंग भाई, बहुत शानदार बनाया है, बहुत बढ़िया है, डिटेलिंग बहुत प्यारी है। जैसे बाइसेप्स हैं, उसका हैंड मूवमेंट हो गए, जैसे उसने सांप पकड़ा हुआ है, देख रहे हैं, एक सांप भी है, ये देखिए हाथ में उसके, और देखिए उसकी बाली भी अलग अलग बनाई हुई है यार, तो बहुत डिटेलिंग वाला काम किया गया है। और लेकिन गुस्से में है नागराज भाई, नागराज तो हंसते हुए होना चाहिए, गुस्से में नहीं रहना चाहिए, है ना? हाँ खैर, अपराधियों के सामने तो गुस्से में रहेगा, सही बात है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता, और ये मंगवाया भी उनके साइट से ही गया है, मैंने उनके साइट से डायरेक्ट ऑर्डर किया है। आप भी चाहिए तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका मूल्य जो है 1400 रुपये है, लेकिन ये डिस्काउंट में 1000 रुपये में वहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर आप भी लेना चाहें तो जाके मंगवा सकते हैं। चलिए फिर मिलता हूँ मित्रों आपसे किसी अन्य अनबॉक्सिंग में, आपसे मुलाकात होगी फिर। नमस्कार, धन्यवाद कॉमिक्स बाइट।